हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को वेरिग्नंस थ्योरम पर एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल है कि एक स्क्वायर ए बी सी डी है जिसके साइड के अलोंग चार फोर्सेस 10, 20, 30 और 40 किलो न्यूटन का चार फोर्सेस एक्ट कर रहा है और स्क्वायर का ईच साइड है 2 सेंटीमीटर का। तो इस फोर्स का कहता है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका डायरेक्शन क्या है और रिजल्टेंट किसी पॉइंट के से कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। तो चलते हैं, एक स्क्वायर ए बी सी डी है मेरा, ये पॉइंट ए बी सी और ये डी है। मान लेते हैं ए बी साइड के अलोंग मेरा फोर्स 10 किलो न्यूटन का लग रहा है फोर्स, बी सी साइड के अलोंग फोर्स 20 किलो न्यूटन का लग रहा है, सी डी साइड के अलोंग 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डी ए साइड के अलोंग 40 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और इसका ईच साइड 2 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि चारो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद तब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के पहले हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को और को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग को मैं दे दूँ, ऐसे तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों चूंकि ये फोर्सेस कोप्लेनर रहता है इसमें, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैफ, इस डायरेक्शन में जे कैफ, इस डायरेक्शन में माइनस आई कैफ और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है माइनस जे कैफ। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेने के लिए। ए बी फोर्स, ए बी साइड के अलोंग जो फोर्स होता है उसको हम ए बी फोर्स मान लेते हैं। ए बी फोर्स को अगर हम एफ वन मान लें तो और थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारी काम। तो मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन के अलोंग ए बी साइड के अलोंग है 10 किलो न्यूटन, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा आई कैफ और बी सी साइड के अलोंग यूनिट वेक्टर है मेरा 10 मिनट, यूनिट मैग्नीट्यूड है 20 किलो न्यूटन और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा जे कैफ। इसको मान लेते हैं हम एफ टू और थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा मेरा। तो ये 20 जे कैफ, उसके बाद सी डी साइड के अलोंग वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर जब भी बोल रहे हैं तो फोर्स को बोल रहे हैं, ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि समझ लेना है कि ये वेक्टर कहाँ से आ गया। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है 30 और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस आई कैप, तो माइनस आगे आ जाएगा आई कैप दे देते हैं। सी डी, डी ए साइड के अलोंग वेक्टर को डी ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम एफ फोर से लिख लेते हैं। डी ए डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है 40, यूनिट वेक्टर होता है माइनस जे, तो माइनस आगे आ जाएगा जे कैफ। ये हो गया चारों फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में। अब इसका हम रिजल्टेंट निकालें तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए चारों फोर्स को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर। यहाँ से कितना आ जाएगा, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करो, कितना माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का, तो माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20√2 किलो न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ रिजल्टेंट का। अब इसका डायरेक्शन निकालना है हमें। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल
फाइंड आउट करते हैं। एक्स एक्सिस के साथ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास में है माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों अगर इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव हो तो आप जानते हैं कि ये वाई एक्स सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है कोई वह वेक्टर जिसका कि दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो, ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसका सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लें। ये एंगल हम मान लेते हैं फाई है, ठीक है, तो टेन फाई कैसे निकालेंगे, टेन फाई वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया है माइनस 20, हॉरिजेंटल भी माइनस 20 आ जाएगा 1, देयरफॉर फाई इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन हमें तो एंगल यहाँ से निकालना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना 180 हो जाएगा, प्लस फाई कर देंगे, देयरफॉर अल्फा यानी डायरेक्शन, देयरफॉर अल्फा कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस फाई, कितना हो जाएगा 180 प्लस 45 हो जाएगा 225 डिग्री इसका डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का के साथ रिजल्टेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 225 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद अब इसका पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए देख लेते हैं पोजीशन। पोजीशन फाइंड आउट करने में हम लोग वेरिग्नन थ्योरम को अप्लाई करेंगे और ऑल फोर्सेस के कारण किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लेंगे और रिजल्टेंट के कारण मोमेंट के इक्वल कर देंगे। मान लेते हैं लेट एक्स बी द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ए से मान लेते हैं कि रिजल्टेंट का पोजीशन क्या है एक्स है, पोजीशन मतलब कितने डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट के कारण उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट तो अपना गिवन है ए बी ये सी और ये डी, ये है 10 किलो न्यूटन गिवन है डायग्राम में, ये 20 किलो न्यूटन और ये है 30 किलो न्यूटन और ये है 40 किलो न्यूटन। अब ए पॉइंट के अबाउट सभी फोर्स के कारण मोमेंट निकाल लेते हैं और रिजल्टेंट के कारण भी ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल करके उसको इक्वेट कर लेते हैं। चलते हैं फ्रॉम वेरिग्नन थ्योरम, फ्रॉम वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है, मोमेंट मोमेंट ऑफ एफ वन अबाउट ए प्लस मोमेंट ऑफ एफ टू अबाउट ए प्लस मोमेंट ऑफ एफ थ्री अबाउट ए प्लस मोमेंट ऑफ एफ फोर अबाउट ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ
रिजल्टेंट अबाउट ए, ये ना कहता है कि ऑल फोर्सेस के कारण किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के कारण मोमेंट के इक्वल होता है। तो चलते हैं F1 इसको हम माने, F2 इसको, F3 और इसको F4 माने हैं। तो F1 का वैल्यू है मेरा 10 किलो न्यूटन का और डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 किलो न्यूटन को 2 से इसको मीटर में भी अप्लाई करेंगे, मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में ही आएगा एक्स का वैल्यू, अगर सीएम में रखेंगे तो सीएम में ही आएगा। तो लास्टली तो हमको सीएम में कन्वर्ट करना ही है, इसलिए उसको यहाँ पर हम सीएम में ही रहने देते हैं। तो 10 किलो न्यूटन और डिस्टेंस देखते हैं कि 10 किलो न्यूटन का ए से कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले यहाँ देख लें कि ए, ये F1 फोर्स जो है पॉइंट ए से ही पास कर रहा है, यानी F1 का डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पर 2 नहीं हो करके 10 इंटू 0 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर फिर देख लेते हैं दूसरा फोर्स मेरा 20 किलो न्यूटन का है, 20 का डिस्टेंस है पॉइंट ए से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर प्लस, ये है F3 मेरा 30 किलो न्यूटन का और A से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2 cm है, इस साइड 2 cm का है प्लस F4 है 40 किलो न्यूटन का, 40 किलो न्यूटन F4 पॉइंट A से ही पास कर रहा है, इसलिए F4 का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 0 होगा। तो ये 0 हो गया इक्वल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यहाँ पर कितना है मेरा, रिजल्टेंट R है और रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A कितना है मान चुके हैं X मान चुके हैं। यहाँ पर मेरा अननोन क्वांटिटी X है, X को फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट का तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो चलते हैं आगे, ये 0 हो गया, ये हो गया 40 प्लस ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा मेरा कितना निकाल चुके हैं 20 रूट टू इंटू एक्स, ये हो गया 120 रूट टू एक्स, देयर फोर एक्स इक्वल टू 100 बाय रूट टू 5 बाय रूट टू cm, इतना cm फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A से x डिस्टेंस पर यानी कि 5 बाय रूट टू डिस्टेंस पर है रिजल्टेंट। यही था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी वेरिग्नन थ्योरम पर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होगा उसको मैं करवा दूंगा। थैंक यू।